करते हैं जी शुरू। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि 12 घंटे ऊपर ने तो दिया हुआ है कि आप 12 घंटे काम कर सकते हो, 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब अगर एक बंदा सिंगल गाड़ी चला रहा है, उसके साथ दूसरा ड्राइवर नहीं है, तो 12 घंटे वाला काम तो नहीं चल सकता। तो फिर क्या हल होता है कि आप 12 घंटे से आप 16 घंटे 17 घंटे तक भी चला सकते हो गाड़ी? तो उसका बहुत सिंपल सा हल होता है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस ऊबर ने जो आपको टाइम दिया हुआ है, वो टाइम ये दिया हुआ है कि शॉर्ट सी वीडियो में आज काम ख़त्म करते हैं। जो ऊबर ने आपको टाइम दिया है 12 घंटे का, वो टाइम है आपने 12 घंटे गाड़ी चलानी है। समझ आई या नहीं? 12 घंटे जो टाइम है वो 12 घंटे गाड़ी चलने का टाइम है। जितनी देर गाड़ी चलती रहेगी आपका टाइम चलता रहेगा। लेकिन जैसे अभी मैं अब खड़ा हो गया हूँ, अभी मुझे पता है कि इस एरिए में काम होता है और मैं इधर आके खड़ा हो गया हूँ। अब जितनी देर मेरी ये गाड़ी खड़ी रहेगी, इसका कोई टाइम जो है ना वो नहीं ज़ाया होगा, वो उतने का वैसे का वैसे ही शो हो रहा है अभी टाइम। मतलब कि अभी मैंने सुबह से 3 घंटे गाड़ी चलाई है, तो 3 घंटे जो है ना वो भी 9 घंटे बाकी होंगे। अभी मैं अपनी आज की चेक करता हूँ कि अभी वो शो कर रहा है कि 8 घंटे और 17 मिनट मेरे बाकी हैं। तो मैं तो सुबह हो सकता है 6 बजे 7 बजे का ऑनलाइन हूँ, और टाइम अभी हो गया 11:30, तो टाइम तो ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुक जाती है उसका टाइम काउंट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह अगर आपको क्रीम पे मैसेज आ जाता है, ऊबर तो आप बंद कर देते हो, जब ऊबर आप बंद कर देते हो तो ऊबर का टाइम उधर ही स्टॉप रहता है। अभी आप इतने घंटे ड्राइविंग कर सकते हो, उधर स्टॉप हो जाता है। अभी 8 घंटे 17 मिनट मेरी आईडी शो कर रही है। तो अगर मैं इसे आईडी को ऑफलाइन कर देता हूँ, ऑफलाइन और 1 घंटे बाद दोबारा ऑनलाइन करता हूँ, तो वो 8 घंटे और 17 मिनट ही रहेगा कि मैं 8 घंटे। इस तरह अगर आप सुबह 6 बजे आईडी ऑन करते हो तो रात 11 से 12 बजे तक भी इस तरीके से आप काम कर सकते हो, मसला नहीं है। हाँ, अगर अब ये रीसेट टाइम कैसे होगा? रीसेट इस अभी मैं आईडी बंद करता हूँ और पूरे 6 घंटे आईडी को ऑन नहीं करना होता। अगर आप 6 घंटे मुसलसल आईडी को ऑफलाइन रखते हो तो ये दोबारा से 12 घंटे पे चली जाती है कि आप 12 घंटे काम। इनका जो सिस्टम है वो यही है कि आप 12 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी चलाने का टाइम है। ये नहीं कि आईडी ऑन कर ली और आपका वो टाइम काउंट हो रहा है जी अब 12 घंटे होने वाले हैं 12, नहीं वो नहीं है। वो जितनी देर आप गाड़ी चलाओगे उतनी देर आपका टाइम जो काउंट होता रहेगा। आप आईडी को ऑफलाइन कर देते हो तो वो भी जो है ना टाइम आपका काउंट नहीं होने होगा। तो इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना खास मसला नहीं है। अब मैं आपको अपनी डिवाइस पर दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। तो भी मैंने अपनी डिवाइस पे जो है ना वो शारजा की लोकेशन लगाई हुई है। तो 2 अभी ट्रिप ऊबर पे की हैं और 3 ट्रिप जो है ना आज अभी तक क्रीम पे हो गए हैं। तो क्रीम ने आज एयरपोर्ट भी दिया, अभी तक जो है ना क्रीम पे काम जो सही चल रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको चेक करते हैं ड्राइविंग टाइम। अभी वो शो कर रहा है कि 8, मैंने जब वीडियो बना रहा था तब भी आपको बताया 8 घंटे और 17 मिनट मेरे अभी रहते हैं। अगर मैं आईडी को ऑफलाइन करूं तो ऊपर टाइम शुरू इसी जगह से ही टाइम शुरू हो जाएगा कि अभी मैं बंद नहीं करूंगा, अभी काम का टाइम है तो इसलिए जो है ना मैं बंद नहीं करूंगा। तो आपको यही है कि 6 घंटे आपको बंद रखनी पड़ेगी, आपकी दोबारा जो आईडी है ना वो स्टार्टिंग पे चली जाएगी, पूरे 12 घंटे पर चली जाएगी। और जो आपका ये टाइम काउंट होता है वो काउंट सिर्फ ड्राइविंग करते वक्त होता है। तो आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। जिस भाई को कोई भी मसला हो, ना समझ आई हो, वो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकता है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक।